Hello students, let us start with our second chapter, physics, chapter number 2. चैप्टर नंबर 2 में हमें मेन दो पॉइंट्स पे ध्यान देना है. फर्स्ट इज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म्स में, और सेकेंड हमारे पास में रहेगा कैपेसिटेंस. टोटल अगर हम लोग बात करें तो हमारा कूलम फोर्स, उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हमारे सारे डेरिवेशंस, उसके बाद गॉसेस थ्योरम, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड लास्ट वन इज कैपेसिटेंस. जब ये सारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं, यानी चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, तब हम लोग मानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज कंप्लीटेड. इट मींस दैट कि हम लोग जो भी अभी पढ़ेंगे, अगेन द सेम थिंग, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक. द चार्जेस आर स्टेशनरी, दे आर नॉट फ्लोइंग. जब तक चार्ज फ्लो होना स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक हम लोग करंट की बात नहीं कर सकते. बिकॉज वॉट इज करंट? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड एज करंट. जब तक हम लोग फ्लो वर्ड पे नहीं जाएंगे, तब तक करंट वर्ड आने वाला नहीं. ठीक, तो अभी दिमाग में अपने पास में आई इज इक्वल टू, जैसे आप लोग ओम्स लॉ में पढ़ते थे कि वी इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी बाय आर, तो वो वाला पार्ट अभी हमारे दिमाग में आना ही नहीं चाहिए. ठीक है, वहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन वो कौन सा पोटेंशियल है? वो पोटेंशियल जब करंट चालू है, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस आर फ्लोइंग, तब हम फॉर्मूला लगाएंगे V इज इक्वल टू आई आर. बात पता चली? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये भी है, पोटेंशियल वो भी, लेकिन वर्ड हमें अपने न्यूमेरिकल में से जो ढूंढना है, या जिस चीज के हिसाब से हम अपना डेरिवेशन डिसाइड करेंगे, वो होगा कि वेदर द चार्जेस आर फ्लोइंग और चार्जेस आर स्टैटिक, मतलब दे आर स्टेशनरी. उस हिसाब से हमारा पोटेंशियल वर्ड का अपना मीनिंग चेंज हो जाए. हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की. जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्ड हम लोग पढ़ने जाते हैं, तो हमारे दिमाग में दो वर्ड आएंगे. एक आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. अगर डेफिनेशन लिखने के लिए आती है तो ये दोनों टर्म अलग हो जाते हैं. कैसा? एक हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और एक सिंपल हमारे पास रह जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. जनरल वे में तो हम दोनों को एक ही मान के चलते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी हुई है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हुई है, बट हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. पहले हम डेफिनेशन पे चलते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. पहले इसकी डेफिनेशन, फिर उसकी डेफिनेशन, फिर दोनों का कंपैरिजन. इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन. क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. मेन बात जो आप लोगों की जाएगी वो आएगा वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. दोनों लैंग्वेज चलेगी. व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज. कई जगह यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जगह वो लोग वर्ड दे देते हैं टेस्ट चार्ज. एक बार कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम टेस्ट चार्ज लिखे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिखे, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स. इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हम वही पढ़ रहे हैं इसलिए. अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब हम बात करेंगे, सेम आंसर यहां पर भी आ रहा है. इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज. खाली चेंज कहां पर होगा? वो लाइन जो मैंने वहां लिखी हुई है, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट. यहां पर था फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी जब हम इसके डेरिवेशन की
की बात करेंगे तो हम ए से बी पर या बी से ए पर जा रहे, कोई भी एक जगह ए टू बी जा रहे हैं या बी टू ए जा रहे हैं। यहाँ पर जब बात करेंगे तो हम कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं, इन्फिनिटी टू डैट पॉइंट, मतलब इन्फिनिटी से चल के हम पॉइंट ए पर है। बाकी पूरा स्टेटमेंट से अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड पता चलेगा। जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो चार्ज कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से हम उसे अपने पॉइंट तक लेकर आए, हमारा पॉइंट मतलब जहाँ पे हम लोग अपना आंसर ढूंढ रहे हैं। तो इन्फिनिटी से जब आ रहा है तो हम वर्ड यूज करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, इसलिए मिलेगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, क्योंकि बी टू ए भी तो हो सकता है, तो कुछ भी आपको स्पेसिफाई करना है तो करिए, अदरवाइज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, अब डेरिवेशन की बारी आती है। जब हम डेरिवेशन करेंगे तो हम लोग यहां पर लेंगे कि वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू जीरो। टेंथ स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, तो वही हम यहां पर लिख रहे हैं। वर्क डन को हमने लिखा डब्ल्यू ए बी और अपॉन में लिया क्यू जीरो। क्यू जीरो इसलिए क्योंकि हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज या डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं। दूसरा हमें क्या ध्यान देना है कि हम लोग बी टू ए माइनस कर रहे हैं, यानी वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ए से उठा के बी तक लेकर आ रहे हैं। तो यहां पर क्या आएगा, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू जीरो। चलिए आगे डेरिवेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। अगर कंपैरिजन वाइज चलना है तो ये वाले को हम लोग इधर कंटिन्यू करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इधर चलने दीजिए और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, दो अपन लोगों ने डिवीजन कर लिया। फाइन, अब डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एल, हमें बताया वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो एफ डॉट डी हम लोग लिखते हैं, हमने यहाँ पे लिया एफ डॉट डी एल। F मतलब माइनस क्यू जीरो ई माइनस क्यू आया, हमने लिखा है अगेंस्ट, तो अगेंस्ट वर्ड के लिए हमें यहाँ पे माइनस साइन शो करना पड़ेगा। F इज इक्वल टू माइनस क्यू जीरो ई डॉट, यहाँ पर आ गया हमारे पास में डी एल। किसकी वैल्यू चल रही है हमारे पास में, डी डब्ल्यू की वैल्यू आई माइनस क्यू जीरो ई डॉट डी एल, वैक्टर फॉर्म में प्रेजेंट है, वैक्टर फॉर्म में हमें शो करना है। अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा डब्ल्यू ए बी, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस क्यू जीरो ई बाहर, अंदर हमारे पास जो इंटीग्रेशन बचा, चलो छोड़ दे ऐसा मत करें, पूरा मत निकालो, इसे माइनस क्यू जीरो अंदर रहने दीजिए ई डॉट डी एल, ऐसा ले लीजिए, यहां पर आ जाएगा माइनस क्यू जीरो ई क्यू जीरो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल। कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहा है, फ्रॉम ए टू बी, पूरा इसको इंटीग्रेशन बना लिया, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू माइनस क्यू जीरो, उसके बाद में यहाँ पर ई डॉट डी एल, यहां पर नीचे लेकर आइए डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू जीरो इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी और ई डॉट डी एल, और डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू जीरो, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू जीरो क्या चीज है, वी बी माइनस वी ए, तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल। हम अभी फॉर्मूला डिराइव नहीं कर रहे, अभी हम अपनी डेफिनेशन को सही बता रहे हैं, उसका प्रूफ करें, क्या प्रूफ किया हम लोगों ने कि जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा That potential difference is equal to integration of E dot dl और साइन टाइप की आएगी माइनस। स्टेटमेंट लिखिए, हेंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, हेंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, नहीं एट अ पॉइंट नहीं, बिटवीन टू पॉइंट्स, सॉरी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स बी एंड ए, B and A in an electric field is equal to the
इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी. जो हम लोगों ने डिराइव किया उसको स्टेटमेंट वाइज लिखा कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, यानी बी एंड ए, इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ. पता चलेगा सरफेस इंटीग्रल होता है तो हम यहाँ पे बीच में सर्कल बनाते हैं और ई डॉट डी एस लिखते हैं, यानी डी एल है, इट इज लाइन इंटीग्रल. सेम डेरिवेशन सेम थ्योरी पार्ट हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए भी लिखेंगे. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए चालू करते हैं. यहाँ पर था हमारे पास वी बी माइनस वी ए, इसकी जगह हम लोग खाली क्या लेंगे वी ए, क्योंकि हम ला कर रहे हैं उसको फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट. तो इंफिनिटी टू अ पॉइंट लाने के लिए हमने खाली क्या यूज किया वी ए. वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू, आपको लिखना है तो आप यहाँ पे इंफिनिटी ए लिखिए वरना कोई ऐसी जरूरत नहीं है. डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो से यहाँ पे b माइनस ए चल रहा था, वहां पे खाली a बचा क्योंकि दूसरा वाला पार्ट इंफिनिटी है. w अपॉन q जीरो से dw इज इक्वल टू f डॉट dl, यहाँ पर भी dw इज इक्वल टू f डॉट dl, उसके बाद f की जगह माइनस q जीरो e, वहां पर भी f की जगह माइनस q जीरो e डॉट dl, e और dl के ऊपर वेक्टर की साइन. से यहाँ पर W, W कौन सा लेना है, A इज इक्वल टू से माइनस क्यू जीरो बाहर इंटीग्रेशन E डॉट dl वेक्टर फॉर्म में. नीचे लेकर आए तो W A अपॉन क्यू जीरो इज इक्वल टू माइनस लाइन इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl. पता चलेगा सेम डेरिवेशन आ गया. अब W A अपॉन क्यू जीरो की वैल्यू हमने कितनी ली है V है, यहाँ पर हो गया V A इज इक्वल टू माइनस लाइन इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl. ये दो चीजें आप लोगों को सिर्फ इसलिए पढ़ाई गई है कि दिमाग में ये क्लियर हो कि पोटेंशियल डिफरेंस और खाली पोटेंशियल वर्ड में क्या अंतर. पोटेंशियल डिफरेंस अगर वर्ड आता है तो ए और बी दो टर्मिनोलॉजी होगी, और अगर खाली पोटेंशियल वर्ड आता है तो इन्फिनिटी टू डेट पॉइंट के टर्म में हमारा आंसर निकलेगा. यहाँ पर खाली एक है और यहाँ पे बी बी माइनस बी है. इस बात को क्लैरिफाई कर लिए अपने दिमाग में बिल्कुल बिठाइए, ये डिफरेंस के टर्म में है और ये खाली पोटेंशियल के टर्म में. ठीक, इसके बाद इसका स्टेटमेंट लिखिए. सेम ऊपर जैसा स्टेटमेंट रहेगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड दैट पॉइंट. क्वेश्चन लिखिए, वर्क इज डन इन मूविंग, क्वेश्चन लिख रहे हैं, वर्क इज डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 0.5 कूलम बिटवीन टू पॉइंट्स. व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स, ब्रैकेट में वर्क डन इज 5 जूल. वर्क डन हमें 5 जूल दे दिया है. चार्ज क्यू की वैल्यू हमें 0.5 कूलम दे रखी है.
पोटेंशियल डिफरेंस हमें ढूंढना है। दो ही फॉर्मूले पढ़े हैं हम लोगों ने, VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन Q, और या फिर VB माइनस VA इज इक्वल टू E डॉट DI। E तो दे नहीं रखा तो ये वाला फॉर्मूला तो आपको लगाना नहीं है, कौन सा लगाना है? W अपॉन Q जीरो वाला। W की जगह 5 लिखिए, Q की जगह 0.5 लिखिए, आपका आंसर आ जाएगा 5 अपॉन 0.5 दैट इज 10 वोल्ट। नेक्स्ट डेरिवेशन पे चलते हैं। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, हेडिंग आई गई एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। फालतू ड्रॉप किया क्योंकि हमारी स्टार्टिंग वहीं से रहेगी। पहले तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन निकालने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डिफरेंट डेफिनेशन लिखनी है। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन बिटवीन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। उसके बाद में जो जो आपको लिखवाया है इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड सब कुछ पूरा का पूरा लिख देने का। फिर हम लोग चालू करेंगे कि वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू सेम क्या लिखवाया था अभी डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू जीरो यहाँ पे भी लिखा होगा वैसा का वैसे चल रहा है। यहाँ पर आएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एन ये भी सेम एफ की जगह माइनस क्यू जीरो ई डी एल को हम लोग लिख लेते हैं डी आर और डॉट की जगह कॉस थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग लेंगे 180 डिग्री। कैसा चल रहा है यहाँ पे कि हमारे पास में एक पॉइंट है ए बी ओ। क्या कर रहे हैं हम लोग? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जहां तक हमें लेके आना है वो हमारा पी पॉइंट हो गया। ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस आर, ओ से बी तक का आर बी, ओ से ए तक का आर ए। अब क्या चाहिए हमें? स्मॉल एलिमेंट हम लोग जब लेते हैं तो स्मॉल एलिमेंट जब कंसिडर करोगे तो डी एल या डी आर जो भी हम ले रहे हैं, मैंने डी आर प्रेफर किया है क्योंकि हम लोग आर 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 के टर्म्स में ले रहे हैं तो आर ले लिया। अगर आप यहाँ डी एल लोगे तो फिर सबको एल 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 के टर्म में लेना पड़ेगा। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस टू जीरो ई डी आर कॉस 180 डिग्री। एंगल जो इनके बीच में बन रहा है 180 डिग्री का। बिना डायग्राम के बिना स्टेटमेंट के हमारा आंसर कंप्लीट नहीं होता। आप जब भी कोई चीज डिराइव कर रहे हैं कम से कम छोटा सा एक डायग्राम आपका सामने होना चाहिए जिसमें आपका आर ए आर आर बी जो जो चीजें आप लोग यूटिलाइज करने वाले हैं। जैसे अब हम लोग एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज लेने वाले हैं तो टेस्ट चार्ज कहाँ पर होना चाहिए? तो उस पॉइंट पे जहाँ हम अपना आंसर निकाल रहे हैं। और भी चार्ज होने चाहिए होगा प्लस क्यू तो एक और रीजन पर रखिए एक टेस्ट चार्ज रखिए। तो ये टेस्ट चार्ज क्यू जीरो जिसे हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं वो ये वाला है, ये हमारा दूसरे वाला। सब कुछ पता चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास में आ गई, इसको मुझे रब करना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वहाँ वाला ऐसा कैसा रखते हैं ठीक। W इज इक्वल टू ओके। अब E का फॉर्मूला E इज इक्वल टू 1/4πε0। आगे क्या लिखते हैं हम लोग? इट इज Q अपॉन आर स्क्वायर। पुट अप करते हैं वैल्यू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू जीरो ई की जगह 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर ये वाला डी आर कॉस 180 की वैल्यू हो गई हमारे पास में माइनस वन। माइनस माइनस प्लस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/4πε0 अच्छे से लिखेंगे। फिर ये Q Q0
और यहाँ पर हमारे पास बचा डी आर, इस आर को ऊपर भेज देते हैं तो इट इज आर माइनस टू, आर रेस टू माइनस टू। अब इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू क्यू जीरो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, फ्रॉम ए टू बी डी आर आर माइनस टू। इंटीग्रेशन करके आंसर लिखिए डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू क्यू जीरो क्या आएगा एन प्लस वन, तो माइनस टू प्लस वन माइनस वन फ्रॉम ए टू बी। बायो स्टूडेंट समझ में आ रहा है, हम लोग डी आर आर माइनस टू डी आर का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन में हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, जो भी पावर है उसके साथ प्लस वन माइनस टू प्लस वन माइनस वन, माइनस वन का मतलब हुआ ये चीज नीचे है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू क्यू जीरो वन बाय आर फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी के लिए जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल That is RB minus RA. WAB की वैल्यू हमारे पास आ गई वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू क्यू जीरो और ये सब कुछ। हम तो क्या ढूंढ रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें वैल्यू पुट अप करते हैं। VB minus VA is equal to WAB, उसकी जगह लिखेंगे वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो Q Q जीरो ब्रैकेट में वन अपॉन आर बी माइनस वन अपॉन आर ए अपॉन में ये वाला Q जीरो Q जीरो Q जीरो कट वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो Q वन अपॉन आर बी माइनस वन अपॉन आर ए। दिस इज योर फाइनल आंसर एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। वापस देखते हैं समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला डब्ल्यू अपॉन क्यू डब्ल्यू एफ डॉट डी एल। उसके बाद में एफ की वैल्यू लिखना है तो माइनस क्यू जीरो ई डी एल को हमने डी आर चूज किया और डॉट हटाया तो कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। आगे बढ़े ई इज इक्वल टू जो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में फॉर्मूला लिखा था ई इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर। उस फॉर्मूले को यहाँ पर पुट अप किया तो ये माइनस ये क्यू जीरो ये ई की वैल्यू फिर ये वाला डी आर और कॉस 180 की जगह माइनस वन ये यहाँ बचा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो ये पूरा। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स जो कॉन्स्टेंट हमने बाहर इनका इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन में हम लोगों ने लिया एन प्लस वन दैट इज आर रेस टू माइनस वन यहाँ पे लिखा, फिर ए टू बी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल आर टू माइनस आर ए। ये W की वैल्यू आई फर्स्ट वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट अप करी ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस ये बात। नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सब कुछ सेम डेरिवेशन रहने वाला है, वापिस पूरा का पूरा हम रिपीट करेंगे। क्या चेंज हो जाएगा जब पोटेंशियल वर्ड है तो हमें इंफिनिटी टू दैट पॉइंट वाला डेरिवेशन करना पड़ेगा। देखिए डायग्राम, सेम डायग्राम ओ ए कहां से लेकर आ रहे हैं तो बोले इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। पहले वाले में हमने क्या लिखा था ए और बी, ए से बी तक लाए थे, कहां से कहां तक ला रहे तो ए से बी तक लाए थे इसलिए ए वहां लिखा था बी यहां लिखा था। अब कहां से ला रहे इंफिनिटी टू दैट पॉइंट तो इंफिनिटी को बाहर रखिए ए वाले को अंदर भेजिए ठीक। ओ से ए तक का उसके बाद हमें जहां आंसर निकालना है वो बी, ओ से ए तक का पार्ट आर ए, ओ से बी तक का पार्ट आर स्मॉल एलिमेंट और यहां पर डी आर
सब कुछ से स्टार्टिंग पहला डायग्राम। इसके साथ आप लोग चाहो जैसा मैंने आपको बताया कि भाई पॉइंट पी पे क्यू जीरो प्लेस होना चाहिए, ओ हमारा ओरिजिन है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज प्लेस होना चाहिए। इसके बाद आपकी इच्छा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बता दो कि हाँ भाई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारा फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में क्यू जीरो ई के फॉर्म में जा रहा है। लिखिए, कोई मना नहीं। अच्छा इसलिए है क्योंकि आपको ये समझ आना चाहिए कि हमने बोला है W की वैल्यू हमेशा हम माइनस क्यू जीरो ई ले रहे हैं। माइनस क्यू ले रहे हैं क्योंकि हम लोग काम जो कर रहे हैं वो अगेंस्ट कर रहे हैं। अगेंस्ट कर रहे हैं का मतलब कि जो हमारा क्यू जीरो ई जाएगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा, हम इसके ऑपोजिट इधर की तरफ चार्ज को लेकर आ रहे हैं। इसलिए हम लोग साइन हमेशा क्या यूज कर रहे हैं, माइनस। एक एक चीज का अपना एक मीनिंग है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आपने बोला और आपने माइनस साइन लगा दी, ऐसा नहीं होता। चलिए सेम डेरिवेशन सब कुछ वापस चालू करेंगे। अब की बार हमें एक की टर्म में आंसर लेना है। अब हमारा रहेगा वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो पहली लाइन। दूसरी लाइन से हमें क्या लिखना था, डब्ल्यू की वैल्यू, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एन, उसके बाद में एफ डी आर कॉस 180 डिग्री, एफ की वैल्यू माइनस क्यू जीरो ई, अभी तक तो समझ में आ चुका है ना, उसके बाद डी आर कॉस 180 की वैल्यू माइनस वन, इसके बाद में ई की वैल्यू, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू जीरो ई की जगह वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर, उसके बाद में डी आर, ये वाला माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, प्लस हो गया। एंड टू सेट, खाली ए बी वाला पार्ट गायब हो गया बस और कुछ नहीं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ये। Now integrating on both the sides, W is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q, Q 0 integration कहाँ से कहाँ तक, from infinity to dead point, तो infinity से लेके A तक हम अपना आंसर निकाल रहे हैं। ऊपर लेके जाइए R raise to minus 2 dr, W is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q, सेम चल रहा है बिल्कुल, Q, Q0, R raise to minus 1, from infinity to A, दूसरी बार मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है आप लोगों का पहली बार में अगर क्लियर ना हुआ हो तो अब हो जाए। W is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q Q 0 1 by R from infinity to A, W is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q Q 0 1 upon R A minus 1 upon R infinity, anything divided by infinity is equal to 0, W की वैल्यू हो गई। फर्स्ट इक्वेशन में पुट अप करेंगे VA is equal to W, यानी 1 upon 4 pi epsilon 0 Q Q 0 upon में हमारे पास बचा R है और वहां upon में present है Q 0, Q 0 Q 0 cut, VA is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R A या खाली R, ये हमारे पास हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सबका अगर हम लोग अभी तक का पार्ट देखें तो हमारे पास सबसे पहले था एफ कूलम फोर्स, कूलम फोर्स हमारे पास में एफ इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, दो चीजों का ऊपर मल्टीप्लीकेशन, दो चीजों का नीचे मल्टीप्लीकेशन, Q1 Q2 और यहाँ पर R स्क्वायर, ठीक। फिर हम लोगों ने E पढ़ा, E में क्या लिखा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, उसके बाद Q अपॉन
आर स्क्वायर, यानी ऊपर का एक क्यू गायब हो गया, नीचे आर स्क्वायर है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, वी, वी कैसा हो गया, वी इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, ये वाला क्यू, नीचे वाला एक आर गायब कर दो, क्या बचा, क्यू बाय आर। देखिए एक दूसरे से बिल्कुल बढ़िया चल रहा, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं कि E is equal to F upon Q, तो F में से एक Q हटा दोगे तो कौन आ जाएगा, E, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग V की जब फॉर्मूला लिख रहे हैं तो हम बोल रहे हैं E dot dl, एक जनरल टर्म में समझा लो, E ये वाला dot dl, अगर वो R की वैल्यू हो, अगर I said if, तो R R आपका कट होके क्या बचता है, Q by, तो हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए कि फोर्स है तो दो ऊपर दो नीचे, ई है ऊपर एक बचा नीचे दो, ये आर स्क्वायर, और वी वाले में क्या हो गया, क्यू अपॉन आर। एक के बाद एक तीनों चीजों को लर्न करोगे टाइम से आप लोगों को समझ में आएगा क्या ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस हो तो हमें सिर्फ यहाँ पर क्या लिख देना है, वी बी माइनस वी, ऐसे यहाँ पे हो जाता है आर बी माइनस आर, दो है तो दो को पुट अप करना है आर बी माइनस आर ए करके लिखना है, अदरवाइज हमारा आंसर फाइनली ये रहेगा, ठीक। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस, एट द सरफेस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस गिवन द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 रेस टू माइनस 15 मीटर एंड एटॉमिक नंबर जेड, जिसे हम बोलेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड, ये आप लोगों को लर्न ही कर लेना है, हाँ इट इज 79, बहुत बार ये आता है, बेटर है कि आप लोग इसे लर्न कर लीजिए, एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड इज 79। करेंगे कैलकुलेट, वी फाइंड करना है पोटेंशियल, वी इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, के की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻⁹, रेडियस आपको दे रखा है, आर की वैल्यू दे रखी है, क्यू कितना लेंगे तो हमें यहाँ पे यूज करना है क्यू इज इक्वल टू एन ई, Q is equal to NE, N की जगह आएगा 79, E की जगह आएगा 1.6 × 10⁻¹⁹, डिवाइड करके जो भी आपका आंसर आए वो लिख लीजिए। एक छोटा सा टॉपिक थ्योरी का जरा सा लेंगे, हेडिंग लिखिए कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स लिखे, अ फोर्स इज सेट टू बी कंजर्वेटिव, थियरी लिखनी है आपको, अ फोर्स इज सेट टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय द फोर्स, इफ वर्क डन बाय द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द is independent of the path followed between the two points, so the work done by conservative force, so the work done by the conservative force along a closed path is always equal to zero, इस लाइन को अंडरलाइन करिए, so the work done by conservative force along a closed path, एक closed path में conservative force कितना काम करता है, that is equal to zero, नेक्स्ट लाइन में लिखिए लाइन इंटीग्रल ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू जीरो। एक्चुअली ऐसा हम लोग इसलिए लेके चलते हैं कि एक क्लोज पाथ अगर हम लोगों ने लिया है उसमें एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल कहां से कहां तक, बोले ए से बी तक, उसके बाद में लीजिए लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल कहां से कहां तक, बोले बी से लेके ए तक, तो ए से बी तक और उसके बाद में बी से लेके ए तक, तो एक का आंसर पॉजिटिव एक का आंसर नेगेटिव, आंसर कितना हो गया जीरो। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू जीरो। नीचे लिखिए ये वाला लाइन, लिख लो लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एल फ्रॉम ए टू बी प्लस लाइन इंटीग्रल बी टू ए ई डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो। जब लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं डॉट साइन लगा रहे हैं तो यहां पर वेक्टर लगा लीजिए, अच्छा सुंदर लगेगा। नेक्स्ट, द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन द टू पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग बोलते हैं W इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ए टू बी और यहाँ पे ई डॉट डी एल, लेकिन यहाँ ये पता होना चाहिए कि जब भी हम काम करेंगे तो अगेंस्ट द फील्ड होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर साइन क्या आएगी माइनस। ये बात ध्यान ही रखना कि जब भी हम लोग इसे रिप्लेस कर रहे हैं माइनस साइन हमारी आनी चाहिए। आज के लिए इतने, बाकी नेक्स्ट क्लास में बाय।